हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एंटीऑक्सीडेंट। तो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ से ऐसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस कुछ एमसीक्यूज और वाइवा के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और मैं किस तरीके से लिख के आना होता है। और आप मेरे जो नोट्स हैं उसको लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसकी जो मॉड्यूल है पहले प्रिपेयर करके रखी हुई है। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विच इज ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जब भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जब भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनसे जो वो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनसे बचाने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एक पुलिस गार्ड बनाती है। वो पुलिस गार्ड जो है वो है हमारा एंटी ऑक्सीडेंट। तो ये एंटी ऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के होने वाले डैमेज से बचाता है, मतलब हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। अब यहाँ जो फ्री रेडिकल्स हैं वो प्रमोट करते हैं हमारी एजिंग को, और जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारी एजिंग को रोकने में हेल्प करते हैं, एजिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं इसके टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे हमें यूजली थ्री टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट के टाइप्स। तो हमारे बॉडी में कुछ विटामिन होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करते हैं, कुछ हमारे एंजाइम्स भी होते हैं ऐसे जो एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करते हैं, और कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं विटामिन की। तो यहाँ पे आ जाता है विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई जो है वो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करता है। सबसे पहले हम विटामिन ए को देख लेते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो है हमें कैरेट से मिलता है, इसका जो रिच सोर्स है वो है कैरेट, और ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। नाम भी समझ में आ रहा है कि हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेगा, सिट्रिक फ्रूट से मिलेगा, जैसे हमारा हो गया आम, जैसे हमारा हो गया ऑरेंज, लेमन्स, आंवला, इन सबसे हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, और ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करता है, मतलब हमारी बॉडी में जो एजिंग हो रही है, एजिंग की जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। देन आ जाता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को हम अल्फा टेकोफेरोल भी बोलते हैं, और ये हमें एसेंशियल ऑयल से मिलता है, और ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो पर एंटीऑक्सीडेंट ही रहे हैं। देन नेक्स्ट जाते हैं हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं, वो भी एक बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करते हैं, जैसे पहले यहाँ पे हो गया सुपर सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज, डाइम्यूटेज एसओडी, ये एसओडी जो है वो हमारी बॉडी में बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा कैटेलेस, कैटेलेस जो भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जैसा एक्ट करता है। और नेक्स्ट जाता है हमारा ग्लूटाथियोन, जो ग्लूटाथियोन जो है वो भी हमारी बॉडी में बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करता है। तो अब यहाँ से बनता है हमारा एक एमसीक्यू। हमें एमसीक्यू में यहाँ से पूछा जाता है कि इन तीनों में से कौन सा एंजाइम है जो पेरोक्सिसोम्स जैसे एक्ट करता है। तो इसका आंसर है ऑल अबव द थ्री, ये तीनों ही है जो हमारी बॉडी में बिल्कुल पेरोक्सिसोम्स जैसे एक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसमें फिर कैरियर प्रोटीन्स। तो कैरियर, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे आयरन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अति हमें पता है कि हर चीज की बुरी होती है, तो यदि हमारी बॉडी में आयरन बहुत ज्यादा हो गया तो भी ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा, अगर कम हो गया तो डेफिशिएंसी प्रोड्यूस कर देगा। तो ये कैसे डैमेज कर सकता है हमारी बॉडी को, ये हमारे जो आरबीसीज है उनका ब्रेकडाउन कराएगा, हमारे लिवर पे इफेक्ट करेगा, हमारे पैंक्रियास पे भी इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कैरियर प्रोटीन हो गए। आयरन के लिए हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रांसफरिन। अगर कॉपर के लिए देखें तो यहाँ पे कॉपर के लिए कौन सा कैरियर प्रोटीन होगा, यहाँ पे कॉपर के लिए जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है वो यहाँ पे है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन जो है एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करता है हमारी बॉडी में। अब ये तो हो गया एक शॉर्ट टेबल, मैंने आपको सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स थे वो बता दिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक तरीका और दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ लोकेशन के बेसिस पे भी कुछ मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताया है, और कुछ नेचर और उनके एक्शन के बेस पे ही बताया है। तो यदि यूनिवर्सिटी में आपसे एंटीऑक्सीडेंट के टाइप्स पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ये बहुत इजी वे है जिससे आप याद कर सकते हैं। और यदि आपसे कोई स्पेसिफिक पूछ ले कि प्लाज्मा, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम पूछ ले, या फिर आपको यहाँ पे चार नाम दिए हुए हैं, इन चार नाम में से आपसे पूछ लें कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे
प्लाज्मा में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से भी आना चाहिए और इस तरीके से भी आना चाहिए, तो हमें दोनों तरीके से पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया है, एंटीऑक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, लोकेशन के बेस पे यहाँ पे हमें देखना है। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट। तो प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं हमारा, बीटा कैरोटीन, स्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, ब्लूरोबिन, यूरिक एसिड, सेलुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफरिन, ये सब क्या है हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सेल मेम्ब्रेन वाले, सेल मेम्ब्रेन में कौन सा आ गया हमारा, अल्फा टैकोपोरल मतलब विटामिन ई। फिर इंट्रा सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट, इसमें कौन कौन सा जाता है हमारा, एसओडी, कैटलेज और ग्लूटाथियॉन। तो ये सारे हमारे हो गए इंट्रा सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट। देन नेक्स्ट जाते हैं हमारे एक्शन और नेचर के बेस पे हम देखना है। तो ये एंजाइमेटिक आ जाता है पहला। तो एंजाइमेटिक के नाम आपको मैंने पहले ही बता दिए थे, एक एसओडी, कैटलेज और ग्लूटाथियॉन। फिर नॉन एंजाइमेटिक कौन कौन से है यहाँ पे, यहाँ पे इसके अंदर दो आ जाएंगे, एक न्यूट्रिएंट और एक मेटाबॉलिक। तो न्यूट्रिएंट के अंदर आ जाते हैं हमारे कैरोटीनॉइड्स, अल्फा टैकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिलीनियम। एंड मेटाबॉलिक में आ जाते हैं हमारे ग्लूटाथियॉन, सेरुलोप्लाज्मिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ट्रांसफरिन, फेरेटिन, यूरिक एसिड। तो ये सारे जो है हमारे पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम है जो हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हमें एमसीक्यूज मिल सकते हैं और वाइवा में पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एंटीऑक्सीडेंट है ये कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, कौन से टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट मैं आपको कुछ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा बताती हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी में ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, अब इसके ऊपर क्या हुआ, फ्री रेडिकल्स ने अटैक कर दिया, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आए और उसने उसको अटैक कर दिया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या होगा, हमारे जो सेल वॉल है वो डैमेज हो जाएगी। सेल वॉल डैमेज हुई तो सेल वॉल कैसे बनी होती है, हमारे फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पे क्या डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉस्फोलिपिड जो है वो डैमेज हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड डैमेज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके आसपास ऐसे छोटे छोटे से ब्राउन कलर का पिगमेंट जो है आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो उस ब्राउन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, लिपोफ्यूजन। लिपोफ्यूजन, ये ब्राउन पिगमेंट जो है वो है लिपोफ्यूजन। ये लिपोफ्यूजन जो है ये हमारा ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, कैसा पिगमेंट होता है, ब्राउन पिगमेंट। और ये हमारी बॉडी में एजिंग को प्रमोट करता है, मतलब एजिंग को शो करता है। तो हमारी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है। ढेर सारे जो फ्री रेडिकल्स है उन्हें हमारे सेल को डैमेज किया, सेल के ऊपर अटैक किया, हमारी जो सेल वॉल थी वो डैमेज हुई। सेल वॉल हमारी बनी होती है फॉस्फोलिपिड से, तो फॉस्फोलिपिड डैमेज हुआ, फॉस्फोलिपिड डैमेज हुआ तो फॉस्फोलिपिड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा तो हमारे जो न्यूक्लियस है उसके पास एक ब्राउन कलर का पिगमेंट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उस ब्राउन पिगमेंट को हम कहते हैं लिपोफ्यूजन। और ये लिपोफ्यूजन जो है वो ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। तो यहाँ से हमारा बनता है एक एमसीक्यू, यहाँ पे हमसे एमसीक्यू या वाइवा में पूछ लेते हैं कि लिपोफ्यूजन जो है वो क्या है। तो लिपोफ्यूजन जो है वो एक पिगमेंट होता है जो हमारे न्यूक्लियस के आसपास एक्यूमुलेट हो जाता है और ये हमारी एजिंग को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिपोफ्यूजन कौन से कलर का होता है, तो लिपोफ्यूजन जो है वो ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और ये क्या करता है, एजिंग को शो करता है। इसके एक अनादर नाम भी है, इसको हम बोलते हैं टेलटेल साइन ऑफ इंजरी, टेलटेल साइन ऑफ इंजरी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम वियर एंड टीयर साइन भी कहते हैं। तो इसके लिए अनादर नेम भी है, वियर एंड टीयर साइन। सो ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको बता दी। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे लिख के आना होता है। तो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यहाँ से हो सकता है कि हमें टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पूछ ले जाए वाइवा में, या फिर एमसीक्यूज में भी टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पूछ सकते हैं। तो हमें ये जो सारे टाइप्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, उनकी लोकेशन के बेस से ही पता होने चाहिए और उनके एक्शन के बेस पे ही पता होने चाहिए। तो जो मैंने आपको एक टेबल बना के दी थी उस तरीके से तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी वे था। और एक इस तरीके से भी जो मैंने लिखा हुआ डिफाइन करके आपको बताया हुआ, ये तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से भी याद होना चाहिए, क्योंकि हमें इस तरीके से एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। के बाद ये कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने जो बताई थी आपको वो हमारे एमसीक्यू वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे एमसीक्यूज और वाइवा के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।